Hello students, welcome to SN Education class once again. Today we read workbook, class 12th, General English. Lesson number 9, I am Joe's brain. और हम पढ़ेंगे इसका reading time. Reading time में हमें एक passage है जो दिया गया है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. बी स्टिल यानी स्थिर रहो और नो दैट जानो कि मैं हूँ भगवान. ये इसका टाइटल है और अब इस पैसेज को हम पढ़ना शुरू करेंगे. तो आज हम ध्यान या योग की ही बात करेंगे इस पैसेज में. द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड कॉम, यानी हमारा अंतिम चैलेंज होता है, चुनौती होती है हमारे लिए अपने मस्तिष्क को शांत रखना. एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज़ मेडिटेशन, और इसका अंतिम सॉल्यूशन यानी अंतिम हल होता है मेडिटेशन यानी ध्यान. इन टुडेज एज एवरी सेकेंड पर्सन रिकमेंड्स मेडिटेशन. आज के समय में, आज के युग में हर दूसरा व्यक्ति मेडिटेशन करने की सलाह देता है. टू द फर्स्ट, सबसे पहले, एंड फॉर अ स्टूडेंट, और एक छात्र के लिए. यानी मेडिटेशन करने की सलाह किसके लिए दी जाती है? सबसे पहले एक छात्र के लिए. देयर कांट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज. स्टडी में या पढ़ाई में लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए इससे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक और कोई नहीं हो सकती है. यानी ध्यान से ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली तकनीक और कोई नहीं है. आगे दिया गया है, कॉम माइंड, बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स. अब ध्यान करने से क्या होता है? कॉम माइंड यानी मस्तिष्क शांत रहता है. बेटर रिटेंशन, हमारी याददाश्त, रिटेंशन यानी याददाश्त बेटर होती है, अच्छी होती है. हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है. फोकस, हम किसी भी बात पर फोकस यानी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. और कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता रख सकते हैं. आर द ऑब्वियस बेनिफिट, ये एक जो ध्यान करने के स्पष्ट बेनिफिट, स्पष्ट लाभ होते हैं. यू विल रियलाइज द बेनिफिट्स, आप भी इन लाभों का अनुभव करेंगे. एज यू प्रैक्टिस इंक्लूड्स अ जनरल सेंस ऑफ वेल बींग एंड हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. जब आप इनका अभ्यास करेंगे यानी जब आप ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जनरल सेंस में यानी अपनी सामान्य मनोस्थिति में या सामान्य भावना में इसे उतारेंगे, यानी ध्यान करने का जो कारण है वो वेलबींग यानी किसी के कल्याण के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, हैप्पीनेस खुशी के लिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास के लिए करना चाहिए. द मूड प्रॉब्लम कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस वे मेडिटेशन. द मूड प्रॉब्लम यानी हमारी जो मनोदशा है, उसकी जो समस्या होती है, वो हम मेडिटेशन के द्वारा ही हल कर सकते हैं. यानी हम बोलते हैं हमारा मूड अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ख़राब है, ऐसा है, वैसा है, तो ये जो हमारी मनोदशा की, मूड की जो प्रॉब्लम होती है, वो हम मेडिटेशन के द्वारा ही हल कर सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के कई तरीके हैं. द सिंपलेस्ट इज़ ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, सबसे सिंपल तरीका है जो है ब्रीथिंग पर यानी श्वसन क्रिया पर ध्यान देना, फोकस करना. सिंस योर ब्रीथ इज़ ऑलवेज विथ यू, क्योंकि आपकी जो ब्रीथ है, श्वास है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, इसलिए ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना, ये सबसे बड़ा मेडिटेशन है. इट कैन बी डन एनी टाइम एनी प्लेस, यह हम किसी भी समय किसी भी स्थान पर कर सकते हैं. ब्रीथिंग करना यानी सांस लेना और सांस छोड़ना समय समय पर. बट द बेस्ट इज़ टू सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि हम इसे किसी ठंडे स्थान पे करें. दैट हैज़ डीम लाइट एंड इज़ रिलेटिवली क्वाइट, जहाँ पे कम रोशनी हो और जहाँ पे शांति हो, अपेक्षाकृत शांति हो. यानी शोरगुल वाली जगह में या बहुत सारी चकाचौंध करके, बहुत सारी लाइट्स ऑन करके हम कभी भी मेडिटेशन नहीं कर सकते.
यू मस्ट फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन योर ब्रीथिंग. आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रीथिंग पर, श्वसन क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए. ऑब्जर्व योर ब्रीथ एज इट कम्स इन एंड गोज आउट. ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि आपकी सांस आप अंदर लें और वापस बाहर छोड़ें. यू विल सी दैट योर माइंड विल टेंड टू वॉन्डर अ लॉट बट सून यू विल बी एबल टू ब्रिंग इट बैक ऑन ब्रीथिंग. आप शुरू शुरू में ध्यान देंगे कि आपका मस्तिष्क ऐसा करते वक्त वॉन्डर करता है, यानी भटकता है इधर उधर, लेकिन जल्द ही जब या आप ये क्रिया करते रहेंगे तो आपका ध्यान अपनी ब्रीथिंग पर केंद्रित हो जाएगा. डोंट ऑब्स्ट्रक्ट थॉट्स. अपने मन के विचारों को रोकिए मत. लेट देम गो ऑफ. उन्हें जाने दीजिए, यानी जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन्हें बाहर निकालिए. ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप योर फोकस ऑन ब्रीथिंग. आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान केंद्रित करने की. When you try this initially, यानी जब आप शुरू में इसे करने की कोशिश करेंगे, you will see how difficult it is to do. तो आप देखेंगे कि ये करना कितना मुश्किल है. But soon, लेकिन जल्द ही, you will gain mastery over it. आप इनमें, यानी आप इस कार्य में मास्टरी हासिल कर लेंगे. एंड हु नोज यू माइट एंड अप एज अ ज़ेन. और कौन जानता है कि आप एक ज़ेन, एक तपस्वी बन जाएं, मास्टर, एक अच्छे मास्टर बन जाएं और स्पिरिचुअल गुरु या एक आध्यात्मिक गुरु बन जाएं. यानी जब आप ध्यान की साधना पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे या आप ध्यान की साधना करना सीख जाएंगे तो आप एक अच्छे ज़ेन, तपस्वी बन सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं या इस टेक्निक में मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिसमें सबसे पहले दिया है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कैरी अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको नीचे जो भी वर्ड्स दिए हैं उनके अपोजिट मीनिंग आपको लिखना है इंग्लिश में इस पैसेज में से. प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना. जो अपोजिट वर्ड दिया है पैसेज में वो है लेट देम गो ऑफ, यानी जाने दो. प्रोहिबिट का मतलब रोकना और लेट देम गो ऑफ का जाने देना. सेकंड है डिट्रियोरेट. डिट्रियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना या बिगाड़ना. और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना. डिस्टर्बेंस यानी अशांति पैदा करना. और क्वाइट का मतलब होता है शांति. इसी तरह नेक्स्ट है आगे सिंपल का अपोजिट डिफिकल्ट. नेक्स्ट है स्ट्रेन. स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव. और उसका अपोजिट है जो पैसेज में दिया है कॉम माइंड, यानी शांत मस्तिष्क. नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको वर्कबुक सॉल्यूशन में से समझा रही हूँ. फॉर व्हाट इज मेडिटेशन एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन. किस चीज़ का अल्टीमेट सॉल्यूशन यानी अंतिम हल मेडिटेशन है यानी ध्यान है. यानी वो कौन सी चीज़ है जिसका अंतिम हल ध्यान करना ही होता है केवल और कुछ नहीं. तो मेडिटेशन इज़ एन अल्टीमेट सॉल्यूशन. ध्यान करना अंतिम हल है टू मेक अवर माइंड कॉम, अपने मस्तिष्क को शांत रखने का. यानी हम अपने मस्तिष्क को शांत बनाना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, तो उसका अंतिम सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन. What are the benefits of meditation? Meditation यानी ध्यान करने के क्या लाभ हैं? अब meditation करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो answer है better health, अच्छा स्वास्थ्य, focus यानी ध्यान केंद्रित करना, concentration, एकाग्रता लाना are the benefit of meditation. ये meditation के benefit हैं कि better health, focus and concentration. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन का सबसे साधारण तरीका क्या है? मेडिटेशन करने का सबसे साधारण तरीका, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़ फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना. यह मेडिटेशन करने का सबसे आसान तरीका है. विच इज़ द बेस्ट प्लेस कंसिडर फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन के लिए बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छा स्थान, विच, कौन सा कंसिडर किया गया है यानी माना गया है मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा होता है? तो आंसर है अ कूल प्लेस विथ डीम लाइट. एक ठंडा स्थान. ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि आप एसी ऑन करके बैठें, मतलब ज़्यादा धूप वाली जगह में ना बैठते हुए
जहाँ पे छाव हो वहाँ बैठे, जहाँ पे मध्यम रोशनी हो यानी धूप का तेज प्रकाश आपके ऊपर नहीं आ रहा हो, एंड विच इज़ रिलेटिवली क्वाइट, और जो अपेक्षाकृत शांत हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे छाव हो, जहाँ पे कम रोशनी हो और जो पूरी तरह शांत हो। द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन, सबसे अच्छा स्थान माना गया है मेडिटेशन के लिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग मस्ट वन फोकस ऑन एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, ध्यान करते वक्त कौन सी चीज़ पर फोकस होना चाहिए, सबसे ज़रूरी होता है किस चीज़ पर फोकस करना। तो वन मस्ट फोकस, वन यानी कोई भी व्यक्ति फोकस कर सकता है ऑल ओवर अटेंशन, सारा अपना ध्यान ऑन ब्रीथिंग यानी श्वसन क्रिया पर एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन करते समय किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, ब्रीथिंग पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्पिरिचुअल गुरु, अब क्वेश्चन में सॉरी पैसेज में लास्ट में कहा गया है कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, तो स्पिरिचुअल गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु से आप क्या समझते हैं। अ स्पिरिचुअल गुरु इज वन, स्पिरिचुअल गुरु वह होता है हु डायरेक्ट्स एंड हेल्प्स अदर्स, जो सीधे तरीके से मदद करता है अदर्स यानी दूसरों की इन मेकिंग देयर माइंड कॉम, उनके मस्तिष्क को शांत रखने में। स्पिरिचुअल गुरु आध्यात्मिक गुरु वो होता है जो दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क को शांत रखने में उनकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वन अटेन मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, कोई भी व्यक्ति, वन मतलब कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन में यानी ध्यान की क्रिया में मास्टरी कैसे हासिल कर सकता है, यानी ध्यान का जो आर्ट है, कला है, उसमें हम मास्टरी कैसे कर सकते हैं। तो वन कैन अटेंड मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, कोई भी व्यक्ति ध्यान की कला में मास्टरी कर सकता है बाय फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करके। सिंस अवर ब्रीथ इज ऑलवेज विथ अस, क्योंकि हमारी ब्रीथ, हमारी श्वास हमेशा हमारे साथ रहती है। इट कैन बी डन एनी टाइम एनी प्लेस, तो ये किया जा सकता है किसी भी समय किसी भी स्थान पर। बट द बेस्ट इज़ टू सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस, लेकिन सबसे बेहतर तरीका होगा किसी ठंडे स्थान पर, दैट हैज़ डीम लाइट, जहाँ पे कम रोशनी हो और रिलेटिवली क्वाइट, और जो पूरी तरह शांत हो, ऐसी जगह पे ध्यान करना। यू मस्ट फोकस अटेंशन ऑन योर ब्रीथिंग, आपको अपनी ब्रीथिंग पर ही, अपनी श्वसन क्रिया पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। ऑब्जर्व योर ब्रीथ एज इट कम्स इन एंड गोज आउट, ध्यान रखिए कि आप अपनी सांस को अंदर ले और बाहर छोड़ें। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन अटेंड मास्टरी, हम मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की कला में, बाय परस्यूइंग इट विथ पेशेंस एंड फॉरबियरिंग, यानी धैर्य से और शांति के साथ हम इसका पीछा करेंगे, यानी ध्यान करने का पीछा करेंगे, ध्यान करते रहेंगे तो हम इसमें मास्टरी प्राप्त कर लेंगे, तो हम इस कला में मास्टरी प्राप्त कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, ऊपर दिए पैसेज का टाइटल बताइए। तो टाइटल है मेडिटेशन यानी ध्यान द अल्टीमेट सॉल्यूशन, अंतिम हल, यानी ध्यान जो है वो अंतिम हल है किसी भी समस्या का। ये तो था लेसन नंबर 9, अब हम मिलेंगे लेसन नंबर 10, द हिल टॉप टेम्पल के वर्कबुक के नए चैप्टर में, जहाँ पे मिलेगी आपको एक पोयम, अ साम ऑफ लाइफ। जी हाँ, लेसन नंबर 10 वर्कबुक में एक पोयम है, अ साम ऑफ लाइफ, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।